संसार में मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान यदि कोई पहुंचाता है तो वह है उसका खुद का अहंकार। अच्छा, अहंकार ऐसा नहीं है कि अहंकार एक ही प्रकार का हो। अहंकार बहुत सारे मनुष्यों को अपने ज्ञान का होता है कि तू बड़ा ज्ञानी है। बहुत सारे मनुष्यों को अपनी ताकत का होता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, यह भी अहंकार हो जाता है। बहुत सारे लोगों को अपनी सज्जनता का भी अहंकार होता है कि मैं बड़ा सज्जन हूँ, सब लोग मुझे कहते हैं कि आप बड़े सज्जन हैं, बड़े भले आदमी हैं। यानी अहंकार अनेक प्रकार का होता है। एक घटना आपको सुनाता हूँ। एक राजा थे और राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, वो सब उस राजा की उसके मुँह पर बड़ाई किया करते थे। नतीजा ये हुआ कि राजा बड़ा अहंकारी हो गया। उसने देखा कि मेरे जितना ताकतवर और मेरे जितना बड़ा सम्राट और कोई है ही नहीं। एक दिन वो घूमते हुए समुद्र के किनारे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई ये समुद्र में लहरें क्यों उठती है। उनके वजीर मंत्रियों ने कहा कि ये इनका स्वभाव है। बोले नहीं, इनको बंद कराओ। इतना अहंकारी था कि मेरे कहने से ये लहरें भी बंद हो जाएंगी। तो उसने समुद्र से कहा कि समुद्र अपनी लहरें बंद करो, एक राजा का आदेश है। अब लहरें कैसे बंद हो? तो उसने अपनी तलवार निकाली और लहरों को उस तलवार से चीरने लगा। लेकिन वहां क्या होता, कुछ नहीं हुआ। अंदर घुसता समुद्र में चला गया लहरों को चीरते हुए। और इसी अहंकार में कि मेरी आज्ञा का, मेरे इस आदेश का पालन होना चाहिए, और धीरे धीरे समुद्र में समा गया। प्यारे बच्चों, कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना। चाहे आप कितने धनी हो जाएं, चाहे आप कितने ज्ञानी हो जाएं, क्योंकि अहंकार ही सर्वनाश की जड़ होती है। हमें सदा अहंकार रहित रहना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हमें जो कुछ भी मिला है वो प्रभु की कृपा से मिला है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। ये सोचकर जीवन को जिया जाएगा तो मन में बड़ी शांति रहेगी, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।